विघ्नहर्ता श्री गणेश। भक्त गणपति भट्ट की जगन्नाथ यात्रा से ये सभी के सामने उजागर होने वाला था कि परम ब्रह्म श्री हरि नारायण ही श्री जगन्नाथ हैं। फिर मराठवाड़ा से लंबी यात्रा कर गणपति भट्ट अठार नाला नामक दिव्य स्थल से होते हुए जगन्नाथ जी पुरी की ओर आगे बढ़ रहे थे। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। लगता है ये सभी भक्त प्रभु दर्शन के बाद जगन्नाथपुरी से ही लौट रहे हैं। जय जगन्नाथ नमो नमः। श्री जगन्नाथ नमो नमः। जाइए, वहां जाकर अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। जगन्नाथ जी के पूरी धाम से कोई लौट कैसे सकता है? नानी महाराज ने तो कहा था प्रभु का ये धाम मोक्ष प्रदान करने वाला है, तो लगता है इन सभी को प्रभु परम ब्रह्म जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। आप भी प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो शीघ्रता कीजिए, ऐसा अपार आनंद मिलता है प्रभु के दर्शन से उन पलों में जब हम उनके सामने होते हैं, जैसे आत्मा ही तिर जाती है। तो क्या आपने प्रभु के दर्शन कर लिए? हाँ, चिंता मत कीजिए, आप भी सच्चे मन से जाइए, प्रभु की कृपा आप पर भी होगी और अठार नाला से जो भी दर्शनार्थी जाते हैं उन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। मन में कोई संशय मत रखिएगा, आप अठार नाला से जा रहे हैं, आप पर भी प्रभु की विशेष दया दृष्टि रहेगी। प्रभु की विशेष दया दृष्टि अर्थात मुक्ति, तो फिर ये इस अठार नाला से जाने पर भी जीवन मृत्यु के बंधन से बंधे क्यों लौट रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले मुझे अपनी शंका का निवारण करना चाहिए, उचित मार्ग ज्ञात करना चाहिए। प्रभु ये क्या कर रहे हैं आपके भक्त? बिना प्रभु दर्शन के ही क्यों लौट रहे हैं? लौट नहीं रहा है मेरा भक्त, कदाचित उसके भाग्य में मेरे साथ जगन्नाथ जी धाम की यात्रा का परम सुख और सौभाग्य लिखा है। लौट कर ज्ञानी महाराज से उचित मार्ग पूछूंगा, फिर लौट कर करूंगा जगन्नाथ जी की तीर्थ यात्रा। जय जगन्नाथ नमो नमः। श्री जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। श्री जगन्नाथ नमो नमः। प्रणाम ज्ञानी महाराज, क्या आप भी मेरे समान इसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं? हाँ, किंतु आप इतने विचलित और भ्रमित क्यों दिखाई दे रहे हैं? लगता है मुझसे कोई भूल हो चुकी है, ये वो जगन्नाथपुरी धाम नहीं है जिसके दर्शन से मोक्ष मिलता है। ना आपसे कोई भूल हुई है और ना ही आप कहीं भटके हैं, आप जगन्नाथ जी पुरी के उचित मार्ग पर दिव्य अठार नाला तक तो पहुंच भी चुके हैं। ये वही स्थान है जहां से होकर स्वयं यमराज जगन्नाथ पुरी पहुंचे थे, इसलिए जो भक्त प्रभु के दर्शन करने इस मार्ग से जाते हैं तो यमराज उनके सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। किंतु प्रभु के दर्शन से मुक्ति मिलती है तो स्वयं यमराज को ये कार्य करने की आवश्यकता क्यों है? प्रभु के दर्शन से मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है, किंतु केवल उन्हें जो उसके योग्य होते हैं। मुझे क्षमा कीजिए ज्ञानी महाराज, मैंने आपके मार्गदर्शन पर संदेह किया, अब एक भी पल का विलंब किए बिना मुझे शीघ्र ही दर्शन के लिए जाना चाहिए। हाँ, आज देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर है, आज के दर्शन तो अद्भुत होंगे। जय जगन्नाथ नमो नमः। 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 क्या बात है कान्हा, तुम इतने अधीर दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी दृष्टि द्वार पर ही गड़ी हुई है, किसी की प्रतीक्षा में हो क्या? लगता है आज फिर प्रभु का एक अद्भुत भक्त आने वाला है। भक्त तो अद्भुत अवश्य है,
किंतु अभी तक वो मेरी भक्ति के रस में नहीं डूबा है। जय जगन्नाथाय नमो नमः। दर्शन तो दूर, यहाँ तो प्रभु की एक झलक भी दुर्लभ है। हे प्रभु, आपके दर्शन की प्यास कब बुझेगी? हे परम ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ, मुझे अपने दर्शन देकर धन्य करने की कृपा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। मेरे भगवान कहाँ हैं? ये कैसा प्रश्न है? प्रभु सामने हैं और तुम इनका पता पूछ रहे हो? तो मैं फिर पूछता हूँ, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे परम ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ कहाँ हैं? ये कैसे धृष्टता कर रहे हैं? आप प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी आपके सामने हैं। इनके सामने हाथ जोड़ो, प्रणाम करो प्रभु को और अपना जीवन धन्य कर लो। नहीं नहीं, ये परम ब्रह्म जगन्नाथ श्री गणेश जी नहीं है, मैं तो उनके दर्शन के लिए आया हूँ। क्या कहा तुमने, श्री गणेश जी? हाँ हाँ, परम ब्रह्म श्री गणेश जी। ये परम ब्रह्म जगन्नाथ जी अर्थात श्री कृष्ण जी का मंदिर है। ध्यान से देखिए इन्हें, ये देखिए उनकी बहन देवी सुभद्रा और ये हैं उनके अग्रज प्रभु बलभद्र जी। ये उचित है, किंतु गणेश जी कहाँ है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आकर आप श्री गणेश जी के दर्शन की इच्छा रखते हैं? कदाचित तुमसे कोई भूल हो रही है। शायद आप सही कह रहे हैं, मुझसे ही कोई भूल हो गई, क्षमा कीजिए। ये परम ब्रह्म नहीं है, मेरे गणेश जी ही परम ब्रह्म है और मैं उनको ढूंढ कर ही रहूंगा। कान्हा, जिसके आगमन की तुम इतनी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसको देखने के लिए तुम इतना व्याकुल थे, उसने तो तुम्हें परम ब्रह्म मानने से भी अस्वीकार कर दिया और तुम्हारी पूजा किए बिना ही मुड़कर चला गया। हाँ दाऊ, किंतु वो शीघ्र लौट के आएगा। ये मैं कहाँ आ गया? मुझे उस नानी महाराज ने गलत स्थान पर क्यों भेज दिया? यहाँ तो मेरे परम ब्रह्म स्वरूप गणेश जी महाराज हैं ही नहीं। मुझे अब यहाँ से लौट जाना चाहिए, किंतु मैं कहाँ लौटूं? परम ब्रह्म स्वरूप गणेश जी के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं तो मोह माया सब त्याग कर आया हूँ, मुझे तो मोक्ष चाहिए। जगन्नाथ पुरी धाम जाइए, वहां जाकर अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं? मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, मेरे पास प्रभु की भक्ति है, उनकी दी हुई कला मेरे हाथों में है, तो फिर मैं इतना विचार क्यों कर रहा हूं? मेरे प्रभु श्री गणेश यहां नहीं है तो वे अवश्य आएंगे, मैं उन्हें बुलाऊंगा।
कहिए भैया, क्या चाहिए आपको? मुझे मिट्टी चाहिए। लोग कुम्हार के पास मूर्ति या घड़ा लेने आते हैं। आप पहले व्यक्ति हैं जो मिट्टी लेने आए हैं, पर क्या करेंगे मिट्टी का? क्या करूं? मैं कठिनाई में हूं। मैं अपने प्रभु से दूर हो गया हूं और उनके बिना मैं कुछ भी नहीं, इसलिए मैं उनकी मूर्ति गढ़ना चाहता हूं। मूर्ति गढ़नी है? पर क्यों भला? यहां तो कई प्रतिमाएं हैं प्रभु की, देखिए पसंद कीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ मिट्टी चाहिए, हो सके तो मुझे दे दो। दे दूंगा, किंतु बिना मूल्य चुकाए कुछ भी नहीं लेना चाहिए। धन तो नहीं है मेरे पास, आपका मूल्य कैसे चुकाऊंगा मैं? किंतु हाँ, एक मार्ग है, मैं यहां श्रम करके आपकी मिट्टी का मूल्य चुका सकता हूँ। चुका तो सकते हो, किंतु मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं, घड़ा बना सकते हो? प्रयास अवश्य कर सकता, मेरे प्रभु चाहेंगे तो अवश्य बन जाएगा। यदि आपके लिए घड़ा बना सका तभी आपकी मिट्टी का उपयोग करूंगा। उचित है, आप मेरा स्थान ले लो, मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। गम गणपते नमः। गणेश की मूर्ति बदल कैसे गई? क्या हुआ है मेरे हाथों को? संभव है स्थान का प्रभाव हो रहा है मुझ पर, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं फिर से प्रयास करता हूं। मेरे प्रभु तो श्री गणेश जी, फिर से प्रयास करता हूं। अद्भुत। संपूर्ण जगन्नाथ जी पुरी में मैंने आपसे श्रेष्ठ मूर्तिकार नहीं देखा। आप मुझे भटका कर, मुझे गलत मार्ग पर भेजकर अब क्यों आए हैं यहां? ये देखिए, ये क्या कर दिया आपने मेरे हाथों को? जिन हाथों ने अपने परम ब्रह्म प्रभु श्री गणेश जी की मूर्ति के अलावा किसी अन्य की मूर्ति बनाई ही नहीं, आज वही हाथ यहाँ आकर अपने प्रभु श्री गणेश जी की मूर्ति बनाने में असमर्थ हैं। संभव है आपके प्रभु आपके सामने हैं और आप ही उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। आपने मुझे क्या कहा था? यहाँ मुझे
प्रभु जगन्नाथ जी, श्री गणेश जी के दर्शन होंगे, मोक्ष प्राप्त होगा, किंतु यहाँ तो कुछ और ही हुआ। मैं जान गया हूँ, ये स्थान मेरे लिए उचित नहीं है। ये स्थान छोड़कर मुझे कहीं और जाना चाहिए। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं गणपति भट्ट जी? और कहाँ, जहाँ मेरे प्रभु श्री गणेश जी हैं, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। तो कहीं जाने की भला क्या आवश्यकता है, मैं तो यही हूँ आपकी बनाई हर मूर्ति में। कहाँ ढूंढने जाना चाहते हो मुझे मेरे प्रिय भक्त? मैं तो यही हूँ तुम्हारे सामने। प्रभु, प्रभु। हाँ गणपति भट्ट, मैं ही हूँ यहाँ, ध्यान से देखो और पहचानो मुझे। ये जो कुछ भी घटित हो रहा है मुझ अज्ञानी को समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, मुझे इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालिए प्रभु और मेरे मोक्ष का मार्ग सरल कीजिए प्रभु। तो जो सत्य है उसे समझो गणपति भट्ट, और सत्य तो ये है कि परम ब्रह्म निराकार हैं, जो अपने 6 रूपों में विद्यमान रहते हैं, जगत पिता महादेव, पराशक्ति माता ललिता, प्रभु श्री हरि नारायण, प्रत्यक्ष प्रभु श्री सूर्यदेव, कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी और श्री महागणाधिपति। अब इस ज्ञान की दृष्टि से देखने का प्रयास करो तो तुम्हें तुम्हारे परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन भी होंगे और मोक्ष प्राप्ति भी होगी। और सत्य तो ये है कि परम ब्रह्म निराकार हैं, जो अपने 6 रूपों में विद्यमान रहते हैं। अद्भुत। आपने घड़ा बना दिया? ये तो और भी उत्तम है, मैं आपको पहचान नहीं सका, अद्भुत कला के स्वामी हैं आप। मेरी कला मेरी भक्ति से विलग नहीं है, इसलिए मेरा तो बस यही परिचय। मैं अपने प्रभु का एक भक्त जो अपने परम ब्रह्म परमेश्वर को ढूंढता हुआ यहाँ आया है। यदि मेरे कथन में तनिक भी सत्य है तो आपको ये अवश्य समझ में आएगा कि श्री गणेश ही नहीं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण सभी परम ब्रह्म है। अब अचानक कहाँ चल दिए आप? वहीं जहां मुझे होना चाहिए, मेरे प्रभु के पास। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको समझ ही नहीं पाया, किंतु अब मैं आपको जान भी गया हूं और पहचान भी गया हूं और मुझे ज्ञात भी हो गया है परम ब्रह्म परमेश्वर कौन है। प्रभु, प्रभु मेरी आपसे एक विनती है, मुझे मेरे परम ब्रह्म प्रभु के दर्शन करवा दीजिए
ये भक्त आपके पास बड़ी आशा लेकर आया है। मेरी झोली भर दीजिए प्रभु, मेरी झोली भर दीजिए, मेरी झोली भर दीजिए प्रभु, मेरी झोली भर दीजिए। बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं गणपति भट्ट, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। वो तो तुम्हारी निर्मल भक्ति थी जिसके कारण अपने आराध्य प्रभु श्री गणेश के सिवाय तुम किसी अन्य को देख ही नहीं पाए। प्रभु अपराध न हो, किंतु भूल तो थी मेरी, पर अब मैं समझ गया हूँ कि प्रभु निराकार है, एक ही है परम ब्रह्म प्रभु। वो अपने भक्त को किसी भी रूप में क्यों ना दिखे, किंतु मैं तो आपको अपने आराध्य श्री गणेश जी के रूप में ही देखना चाहता हूं। मेरी आपसे एक विनती है प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा करना चाहते हैं, तो कृपा करके आप मुझे अपने परम ब्रह्म परमेश्वर रूप के दर्शन देकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। आप मुझे अपने परम ब्रह्म परमेश्वर रूप के दर्शन देकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। धन्य हो गया प्रभु, आपके इस विराट स्वरूप के दर्शन करके मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आप अपने इस भक्त को स्वयं में समाहित करके मोक्ष प्रदान करने की कृपा कीजिए प्रभु, परम ब्रह्म परमेश्वर। गणपति भट्ट, परम ब्रह्म के सत्य को उजागर करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था। अब समस्त संसार को भी ज्ञात होगा कि जगन्नाथपुरी ही परम ब्रह्म धाम। अब प्रत्येक वर्ष देव स्नान के दिन तुम्हारी भक्ति को सार्थक करने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं को गजानन गणेश रूप में सज्जित किया जाएगा और पूजा जाएगा।
और अब जिस इच्छा से तुम यहाँ आए हो उसे पूर्ण करने का समय आ गया। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। आज यहाँ आकर मेरे भक्त के साथ मेरी भी तीर्थ यात्रा संपन्न हुई। जय प्रभु जगन्नाथ जी। और इस प्रकार राम भक्त तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के रूप में और गणपति भट्ट को प्रभु ने विश्व रूप में दर्शन दिए। प्रभु सदा अपनी भक्तों की गुहार सुनते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारी भी सुनेंगे और तुम्हें भी उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। अब मुझे जाना चाहिए, पूजा का समय हो गया। आप मुझे विश्वास तो दिला रहे हैं कि प्रभु आएंगे, किंतु मैं कहा तुलसीदास जी अब या गणपति भट्ट जी जैसा महान भक्त हो कि प्रभु आएंगे और स्वयं मुझे अपने दर्शन देंगे। प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में अपार शक्ति है। संभव है उनके लिए तुम भी उनके अन्य विशेष भक्तों के समान ही हो। उचित कहा पुजारी जी ने, अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। किंतु अपना संशय कैसे दूर करूं मैं? विशेष भक्त कहां हूं मैं? जगन्नाथपुरी का वासी होने के नाते इतना तो मैं समझ चुका हूँ, प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए उनके सभी भक्त विशेष हैं। भगवान अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। सत्य बात तो यह है कि भगवान एक बार छोटी सी भक्त बालिका के लिए मंदिर से निकलकर उसके पास चले गए थे। हाँ, ये सत्य है। और इस कथा से ये भी प्रमाणित होगा कि जब भगवान को भक्त प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो भगवान भी अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं। किंतु वो बालिका भक्त थी कौन? क्या है उनकी कथा? वो प्रभु की सबसे कम आयु की भक्त अवश्य थी, किंतु उसकी गिनती सबसे महानतम भक्तों में थी। जगन्नाथ जी पूरी क्षेत्र में ही एक सब्जी उगाने वाले साधारण किसान की पुत्री थी वो। ओ बेला, प्रभु की लीला उस बालिका भक्त को ना देख पाने के कारण उसे देखने की लालसा में वहीं पृथ्वी पर बैठा कर एक साधारण भक्त की भांति उसका भजन सुनते रहे। अद्भुत। भगवान की भक्त नन्ही बालिका थी जो निर्दोष निष्कपट कोमल मन वाली थी, तो भगवान भी उसके अनुसार ही व्यवहार करने लगे। यही तो है निर्मल भक्ति की महिमा पुष्पदंत जी। जब भक्त इतने स्वच्छ मन से प्रभु को पुकारे तो वो स्वयं को रोक ही नहीं पाते, स्वयं आ जाते हैं अपने भक्त के पास।
पुत्री बेला, पुत्री बेला, पुत्री बेला। भक्ति का मार्ग कठिन है किंतु उसका फल मीठा है। क्या इन सब्जियों के बदले मुझे नई साड़ी मिल जाएगी? 3 माह में मेरा जन्मदिन जो है, नवीन साड़ी पहनूंगी, प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा करूंगी और उन्हें प्रसन्न भी करूंगी। प्रभु जगन्नाथ ने क्यों दिए दर्शन फटे मैले कपड़ों में? जानी जगन्नाथपुरी धाम की रोचक कथा विघ्नहर्ता गणेश में।